लो। ओके, आंखें बंद कर लेते हैं। तीन बार ओमकार और पूर्व वंदना करके हम शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओमकार के लिए लंबी गहरी सांस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अच्छा, दो चार लोग तो कम से कम वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। किसी को देख के मैं बात करूंगी तो अच्छा लगेगा। जिनको पॉसिबल है प्लीज वीडियो ऑन कर दे। ओके, मैं डॉक्टर सरिता पाटिल आज का ये सेशन जो है, थैंक यू रिया जी। आज का हमारा टॉपिक है गट हेल्थ के बारे में। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। 50% से ज्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान है और एसिडिटी से भी परेशान है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉयलेट नहीं होना, टॉयलेट में जाने के बाद बहुत समय तक बैठने पड़ना, या फिर टॉयलेट हो जाने के बाद भी ऐसे नहीं लग, सेटिस्फेक्शन नहीं होना कि पूरा हुआ नहीं हुआ, इसे भी कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है आजकल बहुत बढ़ते जा रही है, उसके अलग अलग रीजंस है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो मैं कवर कर लेती हूँ। देखो, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन के लिए बार बार दवाइयां लेते, जैसे इस सब गोल लेते हैं, फिर एसिडिटी के लिए इनो लेते हैं, एंटासिड की टैबलेट्स लेते हैं, उससे तो टेम्पररी फायदा तो हो जाता है, तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स जो है, उसके जो नुकसान है वो कितने हैं देखते हैं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। सपोज आपके पास एक भैंस है, वो भैंस को साफ करने के लिए आपके पास एक जाड़े जाड़े दांत वाला ब्रश है, उससे आप भैंस को साफ करते हो। अगर उसी ब्रश से आप छोटे से नन्हे से बच्चे को साफ करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि क्या बच्चा साफ हो गया, उसका आंसर तो होगा कि हाँ हाँ बच्चा तो साफ हो गया, लेकिन क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट हुए? हाँ, बच्चे के स्किन पे घाव हो गए, क्योंकि उसके जो दांत है वो सॉफ्ट नहीं है, वो ब्रश के, वो भैंस के लिए तो ठीक है उसके जाड़े स्किन के लिए, लेकिन बच्चे के स्किन के लिए तो ठीक नहीं है, है कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार से जब हम ये जो केमिकल्स शरीर में डालते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बोलो, एसिडिटी के लिए बोलो, वो सेम इसी तरीके से काम करता है। जैसे बच्चे के ऊपर हम भैंस वाला ब्रश यूज करेंगे तो क्या होगा, उसी प्रकार का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पे, ये जो इनो या एंटासिड, इस सब गोल, ये सब हम लेते रहते बार बार, उसका प्रभाव सेम इसी प्रकार से होता है। मतलब क्या होता है, तुरंत तो फायदा लगता है कि अरे हाँ हाँ ठीक हो गया, लेकिन वो जो हार्श केमिकल्स है उनकी वजह से
गट में रहने वाले जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती, उसका नाम है अकरमेंशिया म्यूसिनिफिला, अकरमेंशिया म्यूसिनिफिलिया, ठीक है। ये जो नाम का बैक्टीरिया है वो एक एग्जाम्पल है, 500,000 टाइप के, हजारों टाइप के बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। करीब करीब 1.4 kg to 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो जितने बैक्टीरिया हमारे शरीर में पलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो रहते हैं हमारे साथ। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे कोलोन में, हाँ कोलोन में रहता है, ठीक है। और उसका खाना क्या है, फाइबर है, उसका खाना क्या है, फाइबर है। कौन से फाइबर, हम जो फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं या सलाड्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके जो फाइबर है उसके न्यूट्रिएंट्स तो हमारा शरीर एब्सॉर्ब कर लेता है डाइजेशन के बाद, लेकिन फाइबर जो है वो डाइजेस्ट हमारा शरीर नहीं करता। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को हम खा नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर, कोई भी एनिमल उस लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो फाइबर है वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, वो एब्सॉर्ब एसिमिलेट नहीं होता है। जैसे बाकी के न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं, जो फाइबर है उसको आगे ढकेला जाता है। और वो जो फाइबर है, नेचुरल फाइबर जो है, वो क्या काम करता है, एक ब्रश की तरह काम करता है, हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने का, साफ करने का काम वो नेचुरल ब्रश करता है। और ये जो नेचुरल ब्रश है वो सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं करता है, तो ये इन बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का भोजन है। अच्छा, ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ये अकरमेंशिया म्यूसिनिफिला, ये जो है हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है, कितना इंसुलिन सिक्रीट होना चाहिए, ये वो बैक्टीरिया डिसाइड करता है, ठीक है। अगर फिर हम जैसे हम दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर लेते जाएंगे, जैसे इसबगोल जैसे, तो क्या होगा, वो कॉन्स्टिपेशन तो टेम्पररीली दूर करेगा लेकिन इनका भोजन नहीं रहेगा, तो ये अकरमेंशिया जो है वो उस पे पनपेंगे नहीं, है ना। उसकी वजह से वो इंसुलिन का कंट्रोल जो है, सिग्नलिंग जो है वो बराबर नहीं जाएगा, तो आप मोटे होते जाएंगे, आपको डायबिटीज हो सकता है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल फाइबर जो है वो दो काम करता है, एक तो क्लीनिंग का और दूसरा यूजफुल गट बैक्टीरिया का वो भोजन है। ये जो गट बैक्टीरिया है सिर्फ एक ही टाइप का नहीं है, या अकरमेंशिया एक ही है, नहीं है, ऐसे 500,000 जो बैक्टीरिया है, और वो भी उन सभी का ये खाना रहता है, जो नेचुरल जो फाइबर है वो, ठीक है। ये और कौन से काम करते, बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे मानो ना आपकी वो हमारा सेकंड ब्रेन ही है, भले वो अलग है हमारे शरीर से लेकिन हमारे शरीर का भाग जैसे होके वो काम करते हैं। कोई बैक्टीरिया हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, वो इम्यूनिटी को संभालता है, फिर कोई बैक्टीरिया हमारे हार्मोनल बैलेंस को संभालता है, कोई बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन सिग्नलिंग को ठीक कर देता है, कोई 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 बैक्टीरिया जो है वो ब्रेन को इंडिकेशन देता है कि कब भूख लगाना है, कब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आना है कि चलो कुछ खाए, वो सिग्नलिंग का काम कोई करता है, ठीक है। इतने सारे काम वो हमारे शरीर के गट बैक्टीरिया करते हैं। इसके बदले उनको क्या चाहिए है रहता है, इसके बदले उनको खाना चाहिए, हा? और वो खाना क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर नहीं, नेचुरल फाइबर, ठीक है। और कैसे है ना, हम अगर जब आर्टिफिशियल फाइबर लेते हैं तो हम नेचुरल फाइबर की मात्रा धीरे 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 कम करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, गुड बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है
वो धीरे 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 कम होते होते वो मर जाते हैं। और जैसे वो मर जाते हैं फिर ये काम कौन करेगा, है ना, ये जो मैंने पूरा लिस्ट बताया वो। फिर बाद में हमें एक 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 डिसीजेस होने लगते हैं, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, फिर एसिडिटी, फिर किडनी के प्रॉब्लम्स, फिर आईबीएस, गैस, ब्लोटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाना चाहिए। तो ये सब जब भी हम खाएंगे तो वो देखो, बहुत सारे लोगों को जब बताते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद से सब खाना चाहिए, तो उनको वापस गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ये तो कॉमन भी बताते हैं। तो फिर क्या करें, इसलिए अभी देखो सोनिया जी ने डाला है होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम, जो है श्री श्री रविशंकर जी है हमारे, इन्होंने डिजाइन किया हुआ होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम है, उसमें सभी चीजें बताई गई है कि किस तरीके से हमने ये सब डाइट खाना चाहिए, कौन से समय खाना चाहिए, कफ पित्त वात क्या है, क्योंकि सिर्फ रॉ खाओ रॉ खाओ रॉ खाओ, ये जो नेचुरोपैथी है, ये फॉरेन वाली नेचुरोपैथी है, जैसे मैंने बहुत शेल्टन, बहुत सारे ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़े, उसको फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ, कफ पित्त वात का जो बैलेंस है उसके बारे में अज्ञान होने की वजह से मैं 100% हेल्दी नहीं बनी थी। मैंने 2 साल तक रॉ डाइट करने के बावजूद भी, इसलिए ये ज्ञान जो है कफ पित्त वात का और डेली रेजिम का, ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर ज्ञान होगा तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सिर्फ आपकी ही हेल्थ अच्छी होगी, इसमें आप पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी हो सकती है, उसके साथ साथ इंटर रिलेशनशिप्स में सुधार आ सकता है। एक बार क्या हुआ, 13-14 साल पहले की बात है, जब भी मैंने पहला कोर्स लिया था तो हमारे कोर्स में एक लेडी थी वैशाली करके, तो उसने बताया कोर्स के एंड में कि मुझे ये कोर्स करने से, मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग पूछते हैं ना, मुझे कोर्स करने से क्या फायदा हुआ पता है, कि मेरे और सास के बीच की तू-तू मैं बंद हो गई। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा, अरे वाह ये क्या बात है, तू-तू मैं कैसे बंद हो गई। तभी उन्होंने कहा कि इस कोर्स में जो बातें बताई है कफ पित्त वात के बारे में, तब मुझे अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि मेरी सास जो बूढ़ी है, मतलब उसमें वात ज्यादा है, तो वात इम्बैलेंस होता है, फिर उसको सर्दी हो गई तो कफ इम्बैलेंस है, इसकी वजह से उसका बिहेवियर कैसे हो गया, है ना। फिर मुझे बार 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 एक ही बात बोलती थी, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या बार 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 बोलती है, मुझे तकलीफ देती है, लेकिन जब ये नॉलेज मुझे मिला कफ पित्त वात का, तो क्या हुआ, मेरा मन शांत हो गया, उल्टा मेरे मन में करुणा जागृत हुई उस मेरी सास के बारे में, हाँ बेचारी बूढ़ी है, अभी कफ इम्बैलेंस हो गया है, वात इम्बैलेंस हो गया है, तभी उसको मैंने हेल्प करना चाहिए, किस लिए, ताकि उसका त्रिदोष कफ पित्त वात बैलेंस में हो जाए और फिर वो ठीक से बिहेव करने लगे। फिर और भी एक बात, और एक व्यक्ति ने, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने एक बात शेयर की कि जब से ये मैंने कोर्स का जो ज्ञान लिया, तब से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जो संबंध है वो सुधर गया और मेरा मन शांत हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, आपको बताओ तो सही कैसे। वो बोले कि वो बहुत गुस्सा करते थे या अचानक से चिढ़ते थे, कुछ बोल देते थे तो मुझे बहुत दुख होता था, मैं पूरा दिन घर में काम कर करके किसके लिए करती हूँ, बच्चों के लिए, पति के लिए करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ सबका, इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ, और ऊपर से मुझे ही बोलते हैं, मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता था। अब जैसे ही ये कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि अरे उनका पित्त स्वभाव है,
पित्त दोष, पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति के लक्षण क्या है, हा? फिर मुझे पता चला कि उनका जो पित्त है उसको बैलेंस रखने के लिए मैंने उनको क्या खिलाना चाहिए, हा? उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जब वो धूप से आते हैं तब उनको उनको क्या कुछ मीठा खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, जैसे जैसे उनका पित्त शांत हो जाएगा फिर वो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो फॉलो करना शुरू किया, तब से वो वही मुझे पूछने लगे, अरे आजकल तू बदल कैसे गई, उनका गुस्सा कम हो गया क्योंकि मुझे पता चला कि किस तरीके से मैन्युपुलेट करना है, हमारा बिहेवियर भी, खान पान भी, कब क्या किसको खिलाना है, कब किस तरीके से, क्योंकि देखो इतना सुंदर ज्ञान है, पूरे दिन भर में ना कफ पित्त और वात का समय रहता है, दिन का पूरा दिन का साइकिल ऑफ डे रहता है, पूरे सीजन में भी, जैसे बारिश में वात बढ़ जाता है ना, किसी किसी को ऐसे लगता है ना कि अरे अभी इतना धूप समर है मुझे अभी सर्दी कैसे हो गई, तो कब कफ का संचय होता है, कब कफ निकलता है, तो वो उसे बचाव करने के लिए हमने क्या खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, ये पूरा सीजनल शेड्यूल भी आपको पता चलेगा, डेली रेजिम भी पता चलेगा इस कोर्स करने से, है ना, इतना सुंदर है ये कोर्स। और जैसे मैंने कल भी बताया, कल जिन्होंने अटेंड किया रहेगा, हमारा जो पूरा लाइफ में हमारा जो भी बिहेवियर रहता है वो इन तीन दोषों के ऊपर रहता है और तीन गुणों के ऊपर रहता है, सत्व रजस और तमस। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि व्यक्ति का कोई दोष नहीं रहता है, उसके अंदर सत्व रजस तमस जैसे कम ज्यादा होते हैं उस हिसाब से उसका बर्ताव होता है, उस हिसाब से उसका बिहेवियर रहता है, उस हिसाब से उसकी क्या बोलते हैं वो स्वस्थ रहेगा या बीमार रहेगा वो डिपेंड करता है, तो उसको मैनिपुलेट कैसे करें, छोटी छोटी बातों से मैनिपुलेट करना है, कोई बड़ा कुछ करना नहीं है, ये जो कोर्स है ना इतना सिंपल तरीके से है कि कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, उसके लिए बहुत कुछ लिखाई पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात है कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए, हाँ, मतलब छोटे बच्चे से लेके एकदम बूढ़े 80 साल 90 साल बूढ़े व्यक्तियों के लिए ये बहुत जरूरी है, हाँ? क्यों जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति जो क्या चाहता है जीवन में, आनंद चाहता है, हैप्पीनेस, हाँ? और क्या चाहता है, हम फ्रीडम चाहता है, मुक्ति चाहता है, हाँ? किससे मुक्ति चाहता है, सब परेशानियों से मुक्ति चाहता है, कुछ इलनेस है उससे मुक्ति चाहता है, जीवन में खुश रहना चाहता है कि जो कुछ भी हम करते जीवन में खुश होने के लिए करते हैं, है ना, और मुक्त होने के लिए करते हैं, तो उसके लिए, जिसके लिए हम पूरा 24 घंटा काम ये करते हैं, जो भी करते हैं, पैसा कमाते हैं, मार्केट जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लाते हैं, अच्छा अच्छा पकाते हैं, अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं, है ना, लेकिन वो अगर पकाना आपका सही तरीके से नहीं रहेगा तो आपने 100 रुपए की लाई हुई सब्जी की वैल्यू सिर्फ 2 रुपए की बच जाती है अगर आपने उसको गलत तरीके से पकाया है, क्या फायदा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और बीमारियां तो फिर बढ़ती रहेगी, हाँ? तो किस तरीके से हमने पकाना चाहिए, हाँ? इसका भी ज्ञान इसमें दिया हुआ है, सिंपल है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, और कुछ कुछ चीजें ना हम अज्ञानतावश हम लोग गलत कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, माइक्रोवेव ओवन आजकल इतना कॉमन हो गया है, माइक्रोवेव ओवन, और दूसरी एक बात क्या है, पहले माइक्रोवेव ओवन की बात करती हूँ, माइक्रोवेव ओवन आजकल मतलब ऑफिस में भी माइक्रोवेव ओवन रहता है, सब लोग अपना टिफिन लेके जाते हैं और जस्ट कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखते और गर्म करके उसको खाते हैं, हाँ? तो माइक्रोवेव ओवन कितना सही है, मतलब इतना मेहनत से हमने इतनी सुंदर सब्जी रोटी बनाई,
और उसका सत्यानाश करके हम खाते हैं। कितना पागलपन है, ये अज्ञानता है। ठीक है, तो ये सब इसे छोटी छोटी चीजें जो है वो सब इस कोर्स में बताई है, विरुद्ध आहार के बारे में बताया है। हम कितने चाव से दही वड़ा खाते हैं लेकिन उड़द दाल और दही ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अरे भाई फिर हम लोग फिर क्या दही वड़ा खाएंगे ही नहीं क्या? कितना पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है दही वड़ा। लेकिन सही तरीके से हम किस प्रकार से दही वड़ा बना सकते हैं उसका भी ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। और उसको काउंटर जो भी हम करते हैं, गलतियां ना, देखो हम लोग 100% तो एकदम सही नहीं रह सकते है ना, जो भी हम गलतियां करते हैं, लेकिन कम से कम हमें पता तो चले कि मैंने आज ये विरुद्ध आहार लिया है, तो उसका एटलीस्ट हम कुछ कॉम्पेंसेशन तो करें ना, है कि नहीं? कुछ एक गलती करे, कुछ गलती का हम करते तो सॉरी बोल देते हैं ना। वैसे शरीर को सॉरी बोलने का क्या है उपाय? कि शरीर को अच्छा अच्छा खाना उसको ज्यादा से ज्यादा दे। लेकिन वो अच्छा अच्छा क्या है और वो कब देना है? गलत समय पर आपने अच्छा खाना भी दिया तो भी उसका परिणाम गलत हो सकता है। तो ये सही और गलत समय क्या है इसका ज्ञान पूरा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे जो रेस्पिरेशन है ना, प्राणवायु, आजकल ऑक्सीजन की कमी, बापरे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का क्या क्या, बाबा कोरोना आया तब से सब पूरी दुनिया ही बदल गई है ना। ऑक्सीजन का महत्व इसके पहले कभी पता नहीं चला था, नहीं तो ऑक्सीजन प्राणवायु की ये क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, फिर वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या खाना चाहिए जो कोरोना वायरस है ना, फिर और भी संक्रामक जो भी बैक्टीरिया है हा? उनका उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या खाना चाहिए हुँ? हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है हा? कोई भी रोग हो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम अच्छे रहते हैं हा? नहीं तो कितना भी कुछ भी करो, कितना भी मास्क लगाओ, कितना भी हाथ धो लो, कितना भी सिलेंडर से ऑक्सीजन लो, कोई फायदा नहीं होगा अगर अंदर से आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? ठीक है, फिर प्रोसीजर ऑफ मील कौन किस प्रकार से हमने खाना खाना चाहिए हा? तो आजकल कैसे टीवी देखते देखते एकदम रूटीन हो जाता है। एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर है छोटी, तो हमारे बाजू में उसकी जो फ्रेंड है वो भी छोटी सी हा? वो एक बार आई और मुझे बोला उसने, अरे रूही मोबाइल से खाना नहीं खाती है। मुझे इतना आश्चर्य लगा, अरे ये क्या बात हुई? मैंने बोला, क्या आपकी रूही मोबाइल से खाना नहीं खाती है? मतलब मैंने बोला मोबाइल देखते देखते, मतलब ये इतना रूटीन हो गया है कि बस मोबाइल पे कुछ गाना चला दो और उसके बच्चे के मुंह में ठूसते रहो, क्या खा रहा है बच्चे को पता ही नहीं हा? वो कितना खाते समय कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मंत्रोच्चारण कर, ये छोटी छोटी प्रोसीजर जो है ये भी इसमें आपको सिखाई जाएगी हा? और कुछ भी कठिन नहीं है। मेरी 5 साल की जो ग्रैंड डॉटर है वो भी ये मंत्रोच्चारण के साथ खाना खाती है हा? तो एकदम सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये सब चीजें। ठीक है, अभी 5-7 मिनट बचे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने प्रॉमिस किया था उस हिसाब से मैं एक मिलेट का रेसिपी आपको बताती हूँ। तब तक आप अगर कुछ आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, और चैट बॉक्स में कोर्स का जो डिटेल्स है वो आपका स्क्रीनशॉट ले लो हा? और आप जरूर रजिस्ट्रेशन करना, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया है हाँ वो जरूर रिपीट करें। ठीक है, और आप चाहते हो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट करना है तो आप किसी एक दो जन को रजिस्टर कर दो और एज ए वॉलेंटियर आप रिपीट कर लो हमारे साथ। ठीक है, अभी एक रेसिपी बताती हूँ मैं, मिलेट का सेट डोसा। सेट डोसा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो जो डोसे छोटे छोटे रहते हैं और 3 के सेट में वो सर्व किए जाते हैं ना, इसलिए उसको सेट डोसा, और वो बहुत फ्लफी और सॉफ्ट रहते हैं डोसे। हाँ, साउथ में
बैंगलोर में इधर उधर मैंने खाए थे, मस्त मजा आता है। तो वो यूजली राइस का बनाते हैं। तो हम मिलेट के बारे में मेरा वेबिनार है 1.25 घंटे का, अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर सरिता पाटिल यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उसमें आप जाके मिलेट सेशन करके डालो तो वो आपको जरूर मिलेगा देखने के। हाँ जरूर उसको देख लेना, 1.25 घंटे का है। तो मिलेट क्यों खाना है, क्या है, वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। और ये कोर्स जरूर करें ताकि आपको मिलेट की रेसिपीज कब कैसे क्या खाने हैं वो भी पता चलेगा। तो अब मिलेट का सेट डोसा कैसा बना है, तो 2 कप आपको मिलेट लेना है, कोई भी बार्नयार्ड मिलेट सबसे उससे सॉफ्ट बनता है, या लिटिल मिलेट या कोडो मिलेट से सॉफ्ट बनता है, इनमें से कोई भी एक लेना। 2 कप मिलेट लेना और उसको 6 से 8 घंटे भिगाना है। और 1/2 कप उरद का दाल, 1 टेबलस्पून मेथी, इन सबको अलग अलग 6 से 8 घंटा भिगाना है। और 1/2 कप मिलेट का पोहा, अगर मिलेट का पोहा नहीं है, मिलेट का पोहा है तो 1/2 घंटा भिगाए तभी चलेगा, अगर मिलेट का पोहा नहीं है तो 1/2 कप कुक्ड मिलेट चाहिए, सेम मिलेट। हाँ अगर आप अपने बार्नयार्ड लिया है तो बार्नयार्ड मिलेट ही कुक लेना है, ठीक है, उसका राइस मतलब। और फिर उसको सेपरेटली ग्राइंड करना है, ताकि सेपरेटली ग्राइंड करते हैं ना तो सॉफ्ट ज्यादा बनता है। सेपरेटली ग्राइंड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है, नमक डाल के फर्मेंट करने के लिए रख देना है 6 से 8 घंटा। और उसके बाद में उसके डोसे बनाने, ठीक है, तब आयरन के तवे पे ही बना सकते हो आप उसके डोसे। नॉर्मली हम जैसे ऑयल स्मियर करते, कांदा लगा के, ऑनियन लगा के स्मियर करते, और थोड़ा उसको थिक स्प्रेड करना है, और बहुत सेम गैस पे आप मीडियम फ्लेम पे रखना है और ढक्कन डाल के रखना है। जब निकालेंगे, जब ऊपर का लेयर एकदम ड्राई हो जाता है, तो अब उसको फ्लिप करें, पूरे बबल बबल आ जाएंगे उसमें, फ्लिप करें दूसरे साइड से भी हम उसको पका सकते हैं। और 2 डोसे के बीच में आप उसको पानी छिड़क के तवे के ऊपर उसको ठंडा करना है, ताकि वो नेक्स्ट जो डोसा है वो ठीक से मीडियम गैस पे पके, ठीक है। और अभी 2-3 मिनट ही है, अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछें। उसके साथ जो एक चटनी बनाते हैं या सैगो बनाते हैं ना, उसका रेसिपी मैं कल बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलेगा हमें, बात करते करते ही फिर बंद हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी 2-4 मिनट ही बाकी है। नहीं पूछना है, ठीक है, ओके। बहुत सारे नए नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सब छुपे हुए हैं, थोड़ा चेहरा भी दिखा दो भाई। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। अभी कल का मैं टॉपिक और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग देखती हूँ क्या है। और ये जो सेट डोसा के साथ जो सागू है वो खाते, चटनी भी खाते हैं, और एक अवियल के जैसा ही है इंटरेस्टिंग वेजिटेबल्स का, उसका मैं रेसिपी कल बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अभी सबने वीडियो ऑन किए, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि अभी 2-3 मिनट ही बाकी है, तो पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए। और जिन्होंने भी कोर्स किया है ना, तो जरूर और लोगों को बताते जाओ, हाँ, क्योंकि ये जो सेवा है, सेवा का फल जो है वो बहुत ही समाधान दे देता है। हमें ऐसे लगता है कि पैसे से या अच्छी हेल्थ से हमारा जीवन सुंदर बनता है, लेकिन ये हमारा टीचर्स लोगों का सभी का अनुभव है कि जब हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, हम नहीं लाते हैं एक्चुअली, उसके लिए हम कारण
एटलीस्ट कुछ हम रीजन बन जाते हैं उनके लिए, तो उनके जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं उससे हमारे जीवन में सुख समाधान शांति आती है। ये बात बहुत, मिलेट्स कितनी आवर सो कराए थे, मिलेट्स को 6 से 8 घंटा सो करना है, ठीक है। और आप जरूर वो मिलेट का सेशन देखिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और एक मजेदार बात मुझे याद आई, एक बार क्या हुआ, मैं एक ऐसे वेबिनार ले रही थी, मतलब ऑफलाइन ले रही थी, तब मुझे किसी ने पूछा कि आपका ये जो हसमुख चेहरा है उसके पीछे का राज क्या है। तो तभी उनको, अभी मुझे समझ में नहीं आता है, मैं भी मिलेट का नाम लू, होलिस्टिक कुकिंग का एज अ होल है, और ये श्री रविशंकर जी गुरु है, उनके ब्लेसिंग है। ये जो सेवा का जो क्या बोलते फल जो है, यही हमारे जीवन में ये स्माइल लाता है। जीवन में उथल पुथल नहीं होती है क्या? हमारे जीवन में भी बहुत सारे उथल पुथल होते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होते ही रहता है, फाइनेंस में, कुछ इमोशनल में, कुछ रिलेशनशिप, सब कुछ होते रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको कैसे हैंडल करें, ये ज्ञान हमें इस कोर्स से पता चला। सुदर्शन क्रिया करने से अंदर अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है पूरी, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब इमोशन ताकत बढ़ जाती है। या मैं भी सुदर्शन क्रिया का भी कोर्स लेती हूँ, अगर जिसको भी करना है ना, मैं मेरा नंबर बताती हूँ, 8308044666, मैं चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर आपको 8044666 ये मेरा नंबर है, आप नोट डाउन कर सकते हो और मुझे कॉल्स कर सकते हो। जिन्होंने भी सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है ना, वो सुदर्शन क्रिया भी सीख ले, ऑनलाइन भी अभी चालू हो गया है ये कोर्स और ऑफलाइन भी शुरू हो गए हैं। अभी तक होलिस्टिक कुकिंग कोर्स ऑफलाइन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ऑनलाइन ही है, लेकिन उसके भी एडवांटेज है। ऑफलाइन करने के लिए आपको समय उतना ज्यादा देना पड़ेगा। किसी ने कुछ चैट डाला है, मी ज्वाइन केला है मैम, गुड गुड पूर्णिमा जी, गुड गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेच। सभी का एक ही अनुभव है, क्या रहता है पता है, अरे ये कोर्स मैंने जीवन में पहले करना चाहिए था, यही सबका अनुभव रहता है फाइनली। अरे जीवन में मैंने इतने साल क्यों ऐसे वेस्ट किए, दुख में, परेशानी में क्यों वेस्ट किए, ये पहले ही मैं कोर्स कर लेती थी, इवन होलिस्टिक कुकिंग कोर्स भी पहले ही मैं कर लेती थी तो मुझे ये सब पहले ही पता चलता था, तो मेरा सब ये जो जीवन में जो कुछ भी है वो टल सकता था, है ना। ये सभी का अनुभव रहता है, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके ठीक है, फिर एंड करेंगे मीटिंग, अभी तो वैसे भी टाइम हो ही गया है। ओके वेलकम पूर्णिमा जी, आपने किया है क्या होलिस्टिक कुकिंग, यस और नो? किया, गुड 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 गुड, चलो चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल और एक सुंदर टॉपिक लेंगे, फिर कल मिलते, ठीक है। सोनिया जी आपको कुछ बोलना है? मैम स्टार्टिंग का मिस हो गया, रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सोनिया जी से रिक्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, रोज कोई ना कोई रिकॉर्डिंग मांगते रहते हैं, ठीक है, तो आपको याद रख के सोनिया जी को मांगना पड़ेगा। ओके और कुछ मिस हुआ रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज डाल सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ओके चलो, ओके जय गुरु।